हेलो वाडी, कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स कलवर्ट के विंग वाल के बारे में। ओके, तो विंग वाल के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो ये हमारा, और मैं थोड़ा सा इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा बॉक्स है जो कि मैं यहाँ पे टॉप व्यू दे रहा हूँ। ये टॉप व्यू प्लान है। टॉप व्यू प्लान में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा विंग है, ये हमारा साइड वाल है, ये भी हमारा साइड वाल है, ठीक है। ये हमारा चार विंग वाल हो गया, विंग वाल, ये भी विंग वाल हो गया, ये भी विंग वाल हो गया, ये भी हमारा विंग वाल हो गया। ओके, तो इस तरह इस टॉपिक पे हम अगर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ विंग वाल का। ओके, तो विंग वाल में ये हमारा साइड वाल हो गया। तो विंग वाल हमेशा क्या होता है, ये 45 डिग्री एंगल पे होता है। ओके, जनरली रेलवे में हमने काम किया है तो 45 डिग्री एंगल पे देखा है। ओके, तो 45 डिग्री एंगल पे विंग वाल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका क्रॉस सेक्शन मैं दिखा रहा हूँ कि जब विंग वाल का क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो किस तरह से दिखता है। ओके, तो मैं इस साइड में आ गया, यहाँ पे आपको विंग वाल का क्रॉस सेक्शन काट के ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन जो मेरा होता है ये स्ट्रेट होता है, जिसको हम लोग साहुल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक लाइन डालिएगा ना, तो जो इसका डिस्टेंस होगा, जो इसका डिस्टेंस होगा, जो इसका डिस्टेंस होगा, वो इक्वल आपको मिलेगा। बट एक साइड से स्लोप रहता है। स्लोप इसलिए रहता है कि इस साइड में हम लोग बोल्डर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग वी फोल देते हैं, वी फोल इसमें देते हैं, इसके लिए ये आपका बोल्डर करता है, क्योंकि इसके पीछे हम लोग फिर 1:1 के रेशियो में यहाँ पे बैकफिल मटेरियल देते हैं, ठीक है। तो बैकफिल क्या होता है, बैकफिल यानी इसको हम लोग फिल्टर मीडिया भी बोल देते हैं। फिल्टर मीडिया का होता है कि जब इधर से जो हमारा एम्बैकमेंट है, एम्बैकमेंट इस तरह से रहता है, एम्बैकमेंट का यहाँ पे स्लोप खत्म हो जाता है, यहाँ पे स्लोप एम्बैकमेंट का खत्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी यहाँ से जब आता है, पानी आता है तो ये जो फिल्टर मीडिया है, बैकफिल जो है, इसको पानी और मिट्टी को फिल्टर करता है, क्योंकि जो हमारा एम्बैकमेंट होता है पूरा मिट्टी का होता है, तो वो जब इधर आता है तो यहाँ से फिल्टर होता है और पानी इस वी फोल के थ्रू बाहर निकलता है। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल्डर और बैकफिल देते हैं। तो एक हमारा हो जाता है टो और एक हो जाता है हील। टो और हील, इसको हम लोग बोल देते हैं शेयर की, इसको हम लोग बोलते हैं राफ्ट, और ये हमारा हो गया वाल। ओके, वाल क्या होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ इसमें, कि इसका जब आप कंक्रीट करते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो जनरली ये होता है विंग वाल, और उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिखता है। ये आपका प्लान हो गया, ये ब्रिज का प्लान हो गया, बॉक्स कलवर्ट हो गया, ये हमारा विंग वाल हो गया। इस वाले पोर्शन को हम लोग रिटर्न वाल बोलते हैं, ठीक है। और इसी साइड में अभी क्या होता है कि जैसे मान चलिए कि यहाँ से पानी इधर जा रहा है, तो इस पोर्शन में हम लोग को कर्टेन वाल बनता है, सॉरी इस साइड में कर्टेन वाल बनता है, और डाउन साइड में ड्रॉप वाल बनता है। तो ये बॉक्स कलवर्ट का बेसिक सा फंडा है। अगर आप बॉक्स कलवर्ट बनाना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको टीवीएम लेबल चेक कर लेना है, फिर उसके बाद बॉक्स कलवर्ट तो इजीली बन जाता है। तो इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।